हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको निकोलस बूथमैन की बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस से बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 90 सेकंड्स में किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और अपना दोस्त बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइकेबल लोग ओपन होते हैं, वेलकमिंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिंसेरिटी और ट्रस्ट साफ नजर आता है। ये सारी क्वालिटीज आप भी डेवलप कर सकते हो दूसरे लोगों से कंटिन्यूअसली मिलकर। अगर सामने वाले इंसान को फर्स्ट 90 सेकंड्स में हम इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं तो वो हमसे कम्प्लीटली पीछा छुड़ाना चाहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको लाइक करें तो आपको शुरुआत से कोशिश करनी होगी। आपके एक भी वर्ड बोलने से पहले ये शुरू होता है। एक नया इंसान आपसे मिलते ही तीन चीजें नोटिस करता है, आपकी बॉडी, आपकी आंखें और आपके फेस पर आपके एक्सप्रेशंस। तो ये बहुत जरूरी है कि ये तीनों एलिमेंट्स ओपननेस की फीलिंग दे रहे हों। ऐसा करने के लिए आपको उनमें इंटरेस्ट दिखाना होगा। अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी उनकी तरफ एम करना होगा। इससे आपकी सिंसेरिटी दिखेगी, कन्वर्सेशन में पूरा कमिटमेंट नजर आएगा, इससे आपकी ओपननेस नजर आएगी। इसके बाद आपको डायरेक्टली सामने वाले की आंखों में देखना है, इससे ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है। और जैसे ही आपने आई कॉन्टेक्ट बनाया, आपको सामने वाले से पहले स्माइल करना है। आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को चमकने देना है आपकी बड़ी स्माइल से। इससे सामने वाला इंसान सब कॉन्शियसली ये समझ जाएगा कि आप सिंसेयर हो और ओपन हो। ये आपने वार्म और वेलकमिंग मूड सेट कर दिया है। अब आपको पहल करनी है खुद को इंट्रोड्यूस करके। ऐसा आप एक स्टैंडर्ड ग्रीटिंग के साथ कर सकते हो, लाइक हाय और हेलो। ये आपको एक बहुत ही अच्छी टोन में करना है, एक प्लीजेंट टोन में। इसके साथ आप अपना फर्स्ट नेम भी सामने वाले को बताइए, जिससे वो इनकरेज होंगे उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहिए हेलो, आई एम साहिल। जैसे ही आप ऐसा बोलोगे तो सामने वाले पर्सन भी डेफिनेटली अपना फर्स्ट नेम आपको बताएंगे। और जैसे ही वो अपना फर्स्ट नेम आपको बताएं, आपको उनका नाम रिपीट करना है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने कहा हेलो आई एम साहिल, उन्होंने कहा हाय आई एम समीर। अब आपको कहना है समीर, नाइस टू मीट यू समीर। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया है कि एक इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का स्वीटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट साउंड है। कन्वर्सेशन में जितना ज्यादा हो सके आपको सामने वाले का नाम रिपीट करना चाहिए। इससे आपका रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस बढ़ेगा और आपकी मेमोरी में उनका नाम भी अच्छी तरह बैठ जाएगा। एंड फाइनली आपको थोड़ा सा आगे झुकना है, बहुत थोड़ा सा, जैसे कि इस फोटो में ओबामा झुके हुए हैं। थोड़ा सा झुककर बात करने से सामने वाले इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो और उन्हें ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो और आप फ्रेंडली नजर आओगे। इस फोटो को ही देखकर बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा फ्रेंडली नजर आ रहा है। ऑफकोर्स ओबामा, क्योंकि वो ये प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं। देखा गया है कि लोग उन लोगों को हायर करते हैं, बल्कि डेट भी उन्हीं को करते हैं जो उनके जैसे ही होते हैं और जो उन्हें सेफ और कंफर्टेबल फील करवाते हैं। आप भी कभी गौर करना, आपको उन्हीं लोगों की कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है जो आपके जैसा सोचते हैं, जिनका बिहेवियर आपके जैसा है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। आप जस्ट अपनी वॉइस उनकी वॉइस से सिंक करके उनके लिए कंफर्टेबल बन सकते हो। वॉइस सिंक करना कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत पावरफुल टूल है। आपको करना यह है कि जिनसे आप बात कर रहे हो आपको उनके जैसे ही स्पीड में बोलना है। लाइक वो स्लो बोलते हैं तो आपको फास्ट नहीं भागना है। एंड सेकंड थिंग, आपको उनके जैसे ही टोन में बोलना है। अगर वो काम और रिलैक्स्ड हैं और आप जोर जोर से बोल रहे हो तो बात नहीं बनेगी। आप भी उनके जितने ही वॉल्यूम में उतने ही काम और रिलैक्स्ड होकर बोलो। इससे उस इंसान को लगेगा कि आप उनके जैसे ही हो, जिससे वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। 1979 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की डॉक्टर लिसा बर्कमैन ने 7,000 लोगों पर एक स्टडी की। 9 साल तक चली इस स्टडी से पता चला कि जो लोग दूसरे लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, जिनके ज्यादा सोशल कनेक्शंस नहीं थे, वो ज्यादा बीमार हुए और उनके जल्दी मरने के चांसेस भी ज्यादा थे। और जो लोग दूसरे लोगों से ज्यादा मिलते जुलते थे, जिनके सोशल कनेक्शंस ज्यादा थे, वो कम बीमार हुए और उनके जल्दी मरने के चांसेस भी कम थे। तो फिर जाओ और एक्सपांड करो अपना सोशल सर्कल, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। और अगर आप ये प्रिंसिपल्स डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ये बुक खरीद भी सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। कुछ लोगों ने कहा कि लाइक से मुझे पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक से पैसे नहीं, लाइक से बस अच्छा फील होता है यार, तो कर दो ना लाइक। लाइक करने में क्या जाता है? और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने में भी क्या जाता है, फ्री ही तो है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।